विधानसभा चुनाव को लेकर होट सीट कही जाने वाली बाड़मेर विधानसभा क्षेत्र से आखिरकार लंबी जद्दोजहद के बाद कांग्रेस पार्टी ने मेवाराम जैन को अपना प्रत्याशी घोषित कर ही दिया। रविवार देर शाम को वर्तमान विधायक मेवाराम जैन का नाम घोषित होने के बाद उनके समर्थकों में उत्साह का माहौल देखा गया। वहीं विधायक जैन ने भी कांग्रेस पार्टी को धन्यवाद देते हुए उनके भरोसे पर खरा उतर कर चौथी बार बाड़मेर विधानसभा में जीत का परचम लहराने की बात कही। बाड़मेर जिले की 7 विधानसभा सीटों में कांग्रेस ने अब तक 2 सीटों पर उम्मीदवार घोषित किए हैं। दोनों उम्मीदवार पिछला चुनाव लड़ चुके हैं। वहीं बीजेपी ने 3 सीटों पर उम्मीदवार बनाए हैं। इसमें 2 उम्मीदवार पिछला चुनाव लड़ चुके हैं। बायतू से नए चेहरे पर भरोसा जताया है। इसी बीच बीती रात कांग्रेस की दूसरी सूची में बाड़मेर विधानसभा से लगातार 3 बार जीते मेवाराम जैन को पार्टी ने फिर से टिकट दी है। मेवाराम जैन ने कहा, विपक्षियों ने जो मेरे ऊपर आरोप लगाए हैं उनका समय आने पर जवाब दूंगा। पार्टी ने मुझ पर चौथी बार भरोसा जताया है। बाड़मेर से कांग्रेस प्रत्याशी मेवाराम जैन ने कहा कि मेरे टिकट में कोई अड़चन नहीं थी। पहली लिस्ट में मेरी टिकट कंफर्म हो गई थी, लेकिन शॉर्ट लिस्ट निकालने के चलते मेरा नाम दूसरी लिस्ट में आया है। मेवाराम जैन ने कहा कि एक ही बात कहना चाहूँगा, बाड़मेर की जनता ने मेरा साथ दिया है और कांग्रेस हाईकमान ने मुझ पर भरोसा जताया है। बाड़मेर विधानसभा सीट OBC बाहुल्य है, लेकिन यहाँ OBC उम्मीदवार गंगाराम व तगाराम को छोड़कर नहीं जीत पाया। यह सीट कांग्रेस का गढ़ रही है। कांग्रेस ने 3 बार विधायक रहे मेवाराम जैन पर एक बार फिर दाव खेला है। बीजेपी सिर्फ एक बार 2003 में जीत पाई है। अब टिकट की घोषणा होते ही लोग कितनी तादाद में पटाखे छोड़ रहे हैं, नाच रहे हैं, माला पहना रहे हैं, खुशी। अब इससे आप अंदाजा लगा सकते हो कि इस टिकट मिलते ही जनता में कितना हर्ष है और उत्साह है। मैं माननीय हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत साहब को धन्यवाद देना चाहूँगा, प्रदेश अध्यक्ष को धन्यवाद देना चाहूँगा, हमारी नेता सोनिया जी को धन्यवाद देना चाहूँगा, राहुल जी, खड़गे साहब, हमारे महासचिव, कांग्रेस पार्टी और बाड़मेर की 36 जनता को धन्यवाद देना चाहूँगा कि उनके आशीर्वाद से, उनके प्रेम से आज 3 बार पहले मुझे MLA बनाया और चौथी बार मुझे कांग्रेस के प्रत्याशी बनाया। मैं बाड़मेर की जनता को विश्वास के साथ कहना चाहूँगा कि मैं आपने जो मेरे पर विश्वास किया, मुझे प्रत्याशी बनाया, मैं जनता के साथ हर समय सुख दुख में ईमानदारी के साथ खड़ा रहूंगा। और जो बाड़मेर की जनता की जो समस्या है, सो समाधान है, बाड़मेर को किस तरह से विकास में आगे ले जाएं, उस पर खरा उतरने का पूरा प्रयास करूंगा। आज नहीं, इससे पहले भी कई बार मुझे विचलित करने का प्रयास किया, मेरे पर झूठे आरोप प्रत्यारोप लगाने का प्रयास किया, परंतु बाड़मेर की जनता और ईमानदारी और सच्चाई कि जब उनको सब पता है, इससे कोई मैं न तो विचलित हुआ, और जो जिन्होंने भी प्रयास किया वो जनता उसको जान जाएगी। वहीं टिकट मिलने के बाद मेवाराम जैन के समर्थकों में भारी उत्साह नजर आया। सैकड़ों कांग्रेसी कार्यकर्ताओं और जैन के समर्थकों ने रेलवे स्टेशन के बाहर पटाखे फोड़ कर मिठाइयां बांट कर अपनी खुशी का इजहार किया। वहीं उसके बाद नगर परिषद सभापति दिलीप माली, जिला प्रमुख महेंद्र चौधरी सहित कांग्रेसी नेता और कार्यकर्ता मेवाराम जैन के कार्यालय पहुंचे और उनको टिकट मिलने की बधाई दी। टिकट मिलने के बाद जैन के कार्यालय के बाहर देर रात्रि तक समर्थकों की भारी भीड़ लगी रही।